हिंदुस्तान की आन बान शान पहलवान विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाने से देश शोक में डूबा है। बुधवार सुबह अचानक विनेश की वजह को लेकर सामने आई खबर से करोड़ों देशवासियों का दिल टूट गया, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक उनका वजन मैच से पहले कैसे बढ़ गया। कल तक जिस खिलाड़ी की वजह अखाड़े में उतरने के लिए मानक के अनुसार थे, उसी खिलाड़ी ने फाइनल तक पहुंचने के लिए दुनिया की तीन चोटी के पहलवानों को ओलंपिक के अखाड़े में पटकनी भी दी। ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में तैर रहे हैं, जिस पर विनेश फोगाट की फैंस ही नहीं भारत देश हैरान है। ऐसे में सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट को लेकर बहस भी छिड़ी है। नेताओं से खिलाड़ियों और कलाकारों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक का फाइनल मुकाबले नहीं खेलने पर देश ही नहीं दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव, टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सरीखे लोगों ने इस मामले पर ट्वीट किया है। इन्होंने देश की पहलवान बेटी विनेश और उसके परिवार का हौसला बढ़ाया है। लेकिन ओलंपिक में खेल के नियमों की बाधा के चलते अब की बार भी कुश्ती में भारत का गोल्ड मेडल जीतने का सपना अचानक चकनाचूर हो गया, क्योंकि विनेश फोगाट कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली भारत देश की पहली खिलाड़ी हैं। मगर आज उनके कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेलने की खबर ने देश को शोक में डुबो दिया। अगर बात विनेश फोगाट के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की करें तो देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की बेटी को संबल देते हुए ट्वीट कर लिखा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विनेश फोगाट के मामले में अपनी प्रतिक्रिया में तकनीकी कारणों की जांच की मांग की है। उन्होंने भारत की बेटी के फाइनल मुकाबले में अचानक नहीं खेल पाने की असली वजह जानने पर भी जोर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जाँच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। सपा मुखिया के इस ट्वीट को देखें तो अखिलेश यादव विनेश के मामले पर हैरानी जताते हुए गंभीर सवाल उठा रहे हैं, शायद ऐसे सवाल जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। वहीं टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। पहलवान बजरंग ने विनेश के लिए एक भावुक पोस्ट लिखी है। पुनिया ने ट्वीट में लिखा, विनेश तुम हिम्मत और नैतिकता की गोल्ड मेडलिस्ट हो, माटी की बेटी हो, इसलिए ये मेडल भी माटी का है। बहुत हौसले से लड़ी हो। कल जब खेलने से पहले ओलंपिक ऑफिशियल्स ने अपना वजन लिया तो आपका वजन एकदम परफेक्ट था। आज सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। 100 ग्राम यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे साथ हुआ है। पूरा देश आंसू नहीं रोक पा रहा है। सब देशों के ओलंपिक मेडल एक तरफ और आपका मेडल एक तरफ। दुनिया का हर इंसान आपके लिए दुआ कर रहा था। दुनिया की हर महिला को ये मेडल पर्सनल मेडल जैसा लग रहा था। काश दुनिया की सब महिलाओं की आवाजें सही जगह पहुंच पाएं। उम्मीद करता हूं ओलंपिक खेल रही दुनिया की सभी महिला पहलवान विनेश के साथ सॉलिडेरिटी में खड़ी होंगी। इतना ही नहीं, देश के प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी विनेश फोगाट के केस पर ट्वीट किया है। नेहा ने अपनी प्रतिक्रिया में कई गंभीर बातें लिखी है। नेहा खेल के नियमों का हवाला देते हुए सरकार और कुश्ती संघ के जिम्मेदारों को अपने ट्वीट में आड़े हाथ लेते दिखी है। नेहा सिंह राठौर ने रूल बुक की प्रति के साथ लिखा, साहब को सारी समस्या मेडल से थी, इसलिए जीते हुए मेडल को भी जाने दिया गया। अगर खिलाड़ी का वजन मैनेज नहीं होता तो नॉर्मली खिलाड़ी खुद को इंजर्ड घोषित करके जीते हुए मेडल के साथ विड्रॉ कर लेते हैं। वेगिंग कोई डोपिंग जैसी प्रक्रिया नहीं है कि आपको सैंपल देना ही होगा भले ही आप इंजर्ड हो। कोच सहित विनेश की टीम में जो लोग थे उनका ये काम था कि अगर विनेश का वेट आज मैनेज नहीं हो रहा तो उसको इंजर्ड घोषित करके विड्रॉ करवा देते। सिल्वर मेडल तो पक्का था। एक संदिग्ध सी बेवकूफी हुई है जिसके कारण भारत को एक पक्के ओलंपिक मेडल से हाथ धोना पड़ा है। रूल बुक की अंतिम पंक्तियां पढ़िए, नियमों के अनुसार सिल्वर मेडल पक्का था। दरअसल ओलंपिक में कुश्ती के लिए वजन को लेकर सख्त नियम है। हर पहलवान को अपने मैच के पहले दिन वजन करने के लिए 30 मिनट का समय मिलता है। इस दौरान वो कई बार अपना वजन करा सकता है।
इस दौरान पहलवान को केवल अपनी लड़ने वाली पोशाक पहनने की अनुमति होती है, जबकि दूसरे दिन वजन के लिए महज 15 मिनट का समय ही खिलाड़ी को दिया जाता है। ऐसे में नियम के तहत बुधवार को कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले भारत की पहलवान बेटी विनेश फोगाट को इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। सुबह वजन माप के दौरान 50 किलोग्राम भार के मैच के लिए विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम अधिक मिला, जिसके बाद उसे कुश्ती के फाइनल मुकाबले के लिए अपात्र घोषित किया गया। ये खबर विनेश फोगाट के फैंस और करोड़ों भारतवासियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसे ओलंपिक खेलों से देश में कुश्ती में सोना पाने का वर्षों पुराना सपना टूटा है। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।